दोस्तों चार ऐसी चीजों के बारे में आज मैं बताने वाला हूं आपको। अगर डेंगू के दौरान, डेंगू के जिस टाइम पे किसी व्यक्ति को डेंगू की बीमारी, डेंगू का जो बुखार है, जब उसके शरीर में वो बैठ जाता है, घर करके बैठ जाता है, तो उस टाइम पे चार ऐसी चीजें हैं जिनका हमें 100% रूप से परहेज करना चाहिए, यानी कि ये चीजें हमें खाने में अपने ऐड नहीं करनी चाहिए। कौन सी वो चीजें हैं, देखिए। सबसे पहले आपको जो पॉइंट नंबर एक यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप उसका ध्यान रखिएगा, डेंगू के दौरान आपको कभी भी मसालेदार भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कितने कई तरह के मसाले आते हैं, कई तरह की स्पाइसीज रहती हैं, तो ऐसी स्पाइसीज का सेवन करने से खुद को बचाएं। अगर आप ऐसी स्पाइसीज का सेवन कंटिन्यू करते रहेंगे डेंगू के दौरान, तो ऐसे में आपका जो एसिडिटी लेवल है आपके बॉडी के अंदर, जो एसिड बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो सिस्टम होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये काफ़ी मरीजों के अंदर देखा गया है। डेंगू में जब बहुत लोग जो स्पाइसीज फूड का या फिर मसालों का बहुत ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, तो उनका एसिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे उनको अनेक तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे जंक फूड की यहाँ पे मैं बात करूँगा। जो लोग जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, यानी कि फ्राइड, डीप फ्राइड, प्रोसेस्ड फूड की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब ऐसी ऐसी चीज़ जो कंटिन्यू रूप से जब वो सेवन करते रहते हैं, तो ऐसे में उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। अगर 100 पे है तो 100 से बिल्कुल 10-20 पे आके रुक जाता है, और कई तरह की समस्याएं और ज़्यादा उनको घेर लेती हैं। जब इम्यूनिटी हमारी बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो शरीर में कई सारी अन्य प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिक हमारे बॉडी के अंदर आना चालू हो जाती है, जिसमें शरीर के अंदर अत्यधिक थकान भी हो जाती है, रोगों की चपेट में भी शरीर आने लगता है, ना खाया पिया हजम होता है, अगर खाते हैं तो हजम नहीं होता या फिर भूख ही नहीं लगती है, पेट खराब, डाइजेशन खराब, कई तरह की प्रॉब्लम से व्यक्ति घिर जाता है। और ये जो डेंगू की जो प्रॉब्लम है, जो डेंगू फीवर की प्रॉब्लम है, ये डे बाई डे बढ़ती रहती है, कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेती है। अब तीसरे नंबर पे जो चीज आपने अवॉइड करनी है वो है नॉन वेज। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए, या फिर वीकनेस को जल्दी रिकवर करने के लिए, ये सोच के कि नॉन वेज से ये सारे फायदे हमें मिलेंगे, तो नॉन वेज का सेवन ज्यादा मात्रा में करना चालू कर देते। लेकिन उनको ये चीज बिल्कुल भी पता नहीं है कि इस बीमारी के दौरान अगर हम नॉनवेज का सेवन कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो डाइजेशन होता है, वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि नॉनवेज खाना पचने में बहुत टाइम लगा देता है, जिससे हमारा पहले ही हमारे शरीर में इतनी ज्यादा वीकनेस है। और साथ ही साथ जब हम भारी खाने का इस्तेमाल करते हैं, जो पचने में बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो हमारे डाइजेशन को बहुत स्लो कर देता है, जिससे हमारी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो कभी भी नॉन वेज फूड या फिर किसी भी हार्ड खाने का इस्तेमाल इस बीमारी के दौरान आप कभी भी ना करें। अब दोस्तों चौथी नंबर की चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग अक्सर यहीं पे गलतियाँ करते हैं, वो चीज़ है कॉफ़ी का सेवन करना, या फिर कैफीन युक्त किसी भी ऐसी ड्रिंक का सेवन करना एनर्जी पाने के लिए। क्योंकि जब इस बीमारी के अंदर हमारे शरीर के अंदर अत्यधिक थकान बढ़ जाती है, तो ऐसे में अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए, एनर्जेटिक होने के लिए, लोग कैफीन युक्त कॉफ़ी का इस्तेमाल या फिर दूसरी ऐसी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि शरीर के अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाए, एनर्जी थोड़ा अप हो जाए। लेकिन दोस्तों थकान को दूर करने के बजाय ये उनकी थकान को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, और हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा सकता है। तो आप कभी भी कैफीन युक्त चीज़ों का इस्तेमाल मत करिए डेंगू के दौरान, यानी कि जब डेंगू से ग्रस्त आप हैं, तो ऐसे टाइम पे इन सारी की सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए। और देखिए दोस्तों मैं तो आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो आपको अपने आहार में अवश्य चेंजेस ज़रूर करने चाहिए, अपने खान पान में ज़रूर बदलाव करने चाहिए। हल्का खाना खाइए, सुपाच्य खाना खाइए, भारी भरकम खाना अवॉइड करिए, लिक्विड फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा लीजिए, तो आपको जल्दी रिकवरी देखने को मिल सकती है। ऐसा लिखा भी गया है और ऐसा लोगों ने बताया भी है, बड़े बड़े जो आचार्य हुए हैं, ऐसे लोगों ने जो बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, ऐसा बताया भी गया है कि हल्का सुपाच्य खाना खाने से हमारा पेट के अंदर में इतना भारीपन भी हमें महसूस नहीं होता, और जिस प्रॉब्लम से हम ग्रस्त हैं उस प्रॉब्लम से हमें रिकवरी भी बहुत जल्दी मिलती है। तो हमें हल्का सुपाच्य और लिक्विड फॉर्म वाले फूड का या पेय पदार्थों का सेवन हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए, यानी कि जब भी करें इन्हीं का सेवन करें, हार्ड खाना खाने से बचें, तो आपको बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट अच्छा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को भी दबा लें, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको यहाँ पे हमेशा मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।